सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पेंद्र जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल पर खेतीबाड़ी के नए ठाट। किसान भाइयों, आज आपके लिए एक ऐसा यंत्र लेके आया हूं गेहूं कटाई का बिना खर्चे का। आज तक मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं, रीपर वाइंडर रीपर और कई सारे ऐसे यंत्र बताए हैं जिनमें क्या है, हमें कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ता है, डीजल का पेट्रोल का कुछ ना कुछ तो खर्चा हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन आज आपको जो मैं एक गेहूं काटने का जो जुगाड़ दिखाने वाला हूं, वो जुगाड़ ऐसा है उसमें आपको एक बार पैसा लगाना है, बाद में आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, लाइफ टाइम तक गारंटी है मेरी। तो अभी हम जो कंपनी के ओनर हैं उनसे बातचीत करते हैं, पूसा मेले में आए हुए हैं और उन्होंने ये गेहूं काटने का जुगाड़ बनाया है। आप देख सकते हो काफ़ी शानदार जुगाड़ है बिना इन्वेस्टमेंट के। तो अभी कंपनी के ओनर हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, पहले अपना थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। एक सर, मैं कानपुर से हूँ, हमारी कंपनी का नाम है विकल्प। कंपनी का मकसद भी है किसान को विकल्प देना। मेरा नाम अनंत चतुर्वेदी है, हम लोग ने यहीं दिल्ली से इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद अपनी सारी डिज़ाइन अपनी नॉलेज को लेके किसानों की सेवा में उतर गए हैं। हमारी जो संस्था है कंपनी है उसका एक ही मकसद है, किसान को ऐसी चीज़ें बना के देना जो बिना पेट्रोल डीजल के चलें, क्योंकि पेट्रोल का दाम हर साल बढ़ता जा रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और उससे मर किसान रहा है। तो सर, आपके मन में ये जो जुगाड़ आपने बनाया है इसका पहले तो नाम बताइए। सर, इसको वही मैं आपसे कहने वाला था, इसको जुगाड़ मत कहिए, ये बहुत ही शानदार मशीन है, इसका नाम है विकल्प सहित। मैं तो एक आम भाषा में से जुगाड़ कह रहा हूँ, लेकिन आपकी भाषा में आप विकल्प सहित आपने नाम दिया है, वो बहुत ही अच्छा नाम है। ये तो जो सर साइट है, हाँ जी, ये यहीं पूसा दिल्ली द्वारा प्रमाणित है जी, और भारत की जो मानक संस्था है BIS, तो इसको ISI मार्क भी मिला हुआ है, तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और इसका जो ब्लेड है जी, आप देख सकते हैं, ये ब्लेड खास हमारे कुछ साथी हैं जो विदेश से बना के हमें देते हैं जी जी, तो बहुत ही हल्का लाइट वेट ब्लेड है और 10 साल इसकी लाइफ है। और इससे आप बरसीम, गेहूं, धान, चना, मूंग, उड़द सब फसलें अपनी काट सकते हैं। तो सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ब्लेड्स की जो क्वालिटी है उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर, इस ब्लेड में तीन चीज़ें बहुत खास हैं जी। एक तो ये बहुत ही हल्का ब्लेड है, 2 फुट का ब्लेड है और मात्र इसका वजन 370 ग्राम है जी जी। तो आप सोच सकते हैं इतना हल्का होने के बाद भी ये बहुत ही मजबूत है, 10 साल इसकी लाइफ है और उसकी धार इतनी तेज है कि आप इससे अपनी दाढ़ी बना लो, जैसे कहते हैं ना अपने देसी में कि दाढ़ी बना लो, उतनी तेज धार है। तो इसमें और चौथी खासियत यह है कि इसकी धार को मरम्मत और सान चढ़ाना वो आप अपने खेत पे कर सकते हो, किसी लोहार मिस्त्री की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो सर, इसका जो टोटल वेट है और हाइट है वो क्या है सर? सर, ये मात्र हाइट तो आप देख सकते हो 5 फुट 10 इंच के आसपास इसकी हाइट है और मात्र पूरा ये औजार 2 से 2.5 किलो के बीच में रहता है, बहुत ही हल्का है, लड़के बच्चे लड़कियां सब बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो जैसे सर इसकी हाइट ज़्यादा है तो क्या इसको बच्चे वगैरह, जैसे मेरे कोई छोटी हाइट का बच्चा है, कम उम्र का है, उसके कोई घर में नहीं है और वो काम करना चाहे तो इसे कर सकता है सर? आपको, आपके दर्शकों को आप ये वीडियो जो अब हम आपको दिखाएंगे वो आप दिखाएंगे, मेरे खेत पे 12 से 14 साल के बच्चे हों या 18 साल की लड़कियां हों जिनका वजन, जो खुद भी बहुत पतले दुबले हैं, वो आराम से इससे काट रहे हैं। देखिए, हमें ये मालूम है कि कटाई का काम ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे कर रहे हैं, तो ये पहली मशीन है जो उनके लिए डिज़ाइन करी गई है। तो सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने ब्लेड के ऊपर ये आपने एक वायर दिया हुआ है लोहे का, इसके बारे में बताइए ये क्यों दिया ये सर? देखिए, ये एक तरह का अटैचमेंट है, इसके अलावा एक पंजा भी रहता है बड़ा सा जी। ये फसल को किनारे समेटने के काम में आता है, छोटी फसल हो तो ये वायर समेट लेता है, इसको हम कहते हैं मिनी पांचा। और वो जो बड़ा वाला पांचा है उससे आप गेहूं, धान, जौ जी, जई, ये सारी चीज़ें काट के एक किनारे में ला सकते हैं, जिससे एक तरफ नीटली वो इकट्ठा हो जाए। तो सर, जैसा कि अभी एक हमारे किसान भाइयों की वो समस्या, एक समस्या आती है कि सर ये कितने ऊंचाई से काटेगा सर, जैसे गेहूं काटना है मुझे तो कितनी ऊंचाई से काटेगा सर? देखिए, ये ब्लेड का डिज़ाइन ऐसा आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा एंगल पर बनाई गई है जी, तो जी। आप बिल्कुल ज़मीन से सटा के काट सकते हैं, अगर आपकी ज़मीन उबड़ खाबड़ नहीं तो आप सटा के काट सकते हैं, अगर उबड़ खाबड़ है थोड़ा सा ऊपर से काट सकते हैं, ये चलाने वाले के ऊपर है कि वो कितना सटा के काटना चाहता है। तो सर, अभी हमारे किसान भाइयों की एक और समस्या हमारे सामने निकल
निकल के आती है कि सर कहीं जैसे गेहूं की कटाई कर रहे हैं तो कहीं फैलेगा तो नहीं गेहूं वगैरह, जैसे कहीं इधर उधर फैल जाता है? देखिए वही जो मैंने आपको बताया, दो चीज़ें हैं, एक तो ब्लेड की धार बहुत तेज रहती है तो बिल्कुल हल्का सा टच करते ही ये कट जाता है, तो चूंकि आप ताकत की जगह तकनीक से काटते हैं तो सफाई से कटता है, और उसके अलावा जो पंजा दिया जाता है वो फसल को एकदम समेट के किनारे पे ले आता है, जैसे आप हाथ से काट के रखते हो वैसे इससे काट के पंजा उसको एक तरफ में ले आता है। तो सर अभी आपने कहा तकनीक से, अभी हमारे किसान भाई तो बिना तकनीक वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, वो कैसे तकनीक सीख पाएंगे सर? देखिए हमारे अपने चैनल पे यूट्यूब चैनल पे विकल्प के इसकी ट्रेनिंग के सारे वीडियो हैं, किसान उसको देख के ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उसके अलावा हमारी टीम हर समय दौरे पे ही रहती है, हमारे कुछ लोग फील्ड पे ही रहते हैं तो लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है, किसान भाई अपने निकट आके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अच्छा, तो मैंने पहले सुना शायद आप घर पे जाके लोगों को ट्रेनिंग देते थे। जी जी, ये भी हम करते हैं, हम ऐसी कोशिश करते हैं कि एक गांव जिसके आसपास 10-5 किसान हो ऐसे गांव में इकट्ठा करके किसानों के घर जा जाके भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो अब बात करते हैं सर, जैसे कि अभी ब्लेड्स की क्वालिटी के बारे में बताया, मान के चलो कोई घटना दुर्घटना हो जाए, ब्लेड टूट जाए, तो फिर कैसे हमारे किसान भाई इसे काम कर पाएंगे, ब्लेड्स कहाँ से मिलेगा? देखिए छोटी मोटी जो टूट फूट होती है ब्लेड में, क्रैक आ जाए, थोड़ा चटक जाए, धार मुड़ जाए, उसके लिए तो सारे टूल आपको साथ में दिए जाते हैं। जी जी। इस मशीन के साथ आपको इसकी धार के पिटाई के टूल, आपको सान चढ़ाने के टूल, ये सब साथ में दिया जाता है, तो छोटी मोटी तो आप खुद अपने घर में बना सकते हो, ऐसा ऐसे डिज़ाइन किया गया है। और यदि आपका ब्लेड बिल्कुल ही टूट जाता है तो अलग से ब्लेड भी आपको मिल जाता है। तो सर जैसा, हालांकि एक छोटा सा अनुरोध है किसान भाइयों से, जो मैंने बार बार बोला, तकनीक का टूल है, ताकत का नहीं, हल्के हाथ से चलाना है हमें, हमें मक्खन की तरह काटना है, हमें ताकत से नहीं काटना है, अगर ऐसा करेंगे 10 साल से ज़्यादा ये ब्लेड चलता है। तो सर अभी बात करते हैं, जैसे मान के चलो मुझे गेहूं की भी कटाई करनी है, तो एक घंटे में जो है कितनी फसल की कटाई मैं इससे कर सकता हूं सर? आप ये मान के चलिए एक घंटे में करीब आपका 1 बीघा फसल इससे कट जाती है। 1 बीघा आसानी से हम काट सकते हैं। 1 बीघा फसल, तो दिन भर में लगभग हम काम करें, कोई मेहनती मतलब मेहनती बंदा हो तो 1 एकड़ एक दिन में बहुत आसानी से, आप देख सकते हैं हमने मिशन यही रखा है, 1 आदमी 1 दिन 1 एकड़। जी जी, तो वो पूरा कर सकते हैं आप इस मशीन। जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ ये आपने लगाया हुआ हैंडल, तो ये क्यों लगाया सर? देखिए इसको पकड़ने का स्टाइल यही है। अच्छा अच्छा, इस हाथ को यहाँ से, इस हाथ को यहाँ से, और ये ऐसे चलता है। जी जी, तो अभी बात करते हैं इसकी कोई गारंटी वारंटी आप देते हो सर? जी, ये ब्लेड जो है 10 साल चलता है, अगर उसके बीच में इस पे डिफेक्ट आते हैं कंपनी रिप्लेसमेंट भी देती है, लेकिन चूंकि हाथ से चलने वाली चीज़ है टूट फूट के अगेंस्ट हम कोई गारंटी नहीं देते, अगर ब्लेड में लचर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए उसकी बनावट में, तो हम फ्री में ब्लेड बदल के देते हैं। तो सर हमारे किसान भाई, आपने गारंटी वारंटी के बारे में तो बता दिया, मान के चलो हमारे किसान भाई चाहते हैं कि कुछ सब्सिडी वगैरह कुछ मिले, तो ऐसा कोई प्रावधान है सर? जी, भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित टूल है, जैसा मैंने बताया पूसा से प्रमाणित है, और भारत सरकार से सब्सिडी में ये अप्रूव्ड है ये टूल, तो आपको देश में किसी भी स्टेट में अब इस पर सब्सिडी मिल रही है, इन चुनावों के बाद 2700 रुपये इस पर सब्सिडी की घोषणा हो चुकी है। 2700 रुपये हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी भी मिलेगी। तो अभी इसकी प्राइस क्या रखी है सर आपने? अभी सर इसके 2 मॉडल हम बना रहे हैं, एक मॉडल हमने बनाया है जो सिर्फ चारे वाले किसान भाइयों के लिए, जो सिर्फ बरसीम और जई और छोटा चारा काटना चाहते हैं, तो वो वाला मॉडल, उसमें कंप्लीट किट धार बनाने के टूल के साथ 5300 रुपये की, और जो हमारा बड़ा मॉडल है जिसमें पिटाई के टूल और बड़ा पंजा और सब धान गेहूं के लिए जो बनाया है, वो 7500 रुपये का है, और दोनों पे सब्सिडी की लागत 2700 रुपये। तो आप बात करते हैं सर, जैसे कि हमारे किसान भाइयों को आपका ये जो जुगाड़ है, मैं तो जुगाड़ ही कहूँगा, आप चाहे साइज कहें, कहीं भी कुछ भी कहें, लेकिन मैं मेरे किसान भाइयों को एक अच्छा जुगाड़ कहूँगा। नहीं, मैं चाहूँगा आपके माध्यम से उनको इसका नाम पता चले, इसको साइज कहते हैं। वैसे किसान भाइयों विकल्प साइज इसे कहा जाता है। अभी बात करते हैं सर, जैसे हमारे किसान भाइयों को पसंद आ जाए तो किस माध्यम से इसको खरीद सकते हैं सर? देखिए आप हमारे नंबर पे कॉल करके इसको बुक करा सकते हैं जी। और हमारी वेबसाइट है, उससे भी ले सकते हैं, उस सबका ब्यौरा आपको नीचे दिया जा रहा है, तो आप कॉल करके या हमारी वेबसाइट से इसको बुक करा के मंगवा सकते हैं, घर बैठे होम डिलीवरी हो जाती है इसकी। कितने दिन डिलीवरी का टाइम रहेगा सर? 4 से 5 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा ये बुकिंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जानकारी दी आपने। किसान भाइयों शायद आपको ये विकल्प शायद तो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आपको बस एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, फिर सालों साल आपको जो है आप फ्री में कटाई आप फसलों की कर पाओगे मेरे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में और नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय